एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 4 व 5 जून महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में सड़कों पर साफ सफाई, निवास स्थल पर व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसके लिए सभी विभागों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिनके द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, तो ये बैक ऑन माइंड रखना है कि बारिश में क्या होगा, मैं इसमें आपको बता दूंगा, मौसम का क्या बताया आप लोगों को, मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं होता है तो सर कल साथ में थे, वहाँ किस तरह सीटिंग होगी और लगभग सर रहेंगे जिनका अलग से वीवीआईपी टाइप रहेगा और उधर सर बाकी लोग, और अलग से सीटिंग इस तरह रहेगी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी टेबल डाइनिंग टेबल होती है उस तरह डाइनिंग टेबल लगी रहेंगी और हर टेबल के अराउंड 10 कुर्सियां लगी रहेंगी, इस तरह लोग बैठे रहेंगे। पहले राष्ट्रपति महोदय अपने उससे गेट से एंट्री किए, पहले सबसे वो जाके उसका मिले सबके पास टेबल पे जाके। इस बीच सर चेंज ये रहेगा कि जो 150-200 सीटिंग वाले लोग रहेंगे वो पहले से आके वहाँ बैठे रहे और व्यवस्थित रूप से बैठे रहे, उनका जो एंट्री है सर वो दूसरे रास्ते से, अगर आपने देखा था उसी रास्ते से उनकी एंट्री होगी, तो उनसे सबसे सर जाके मुलाकात कर लेंगे और उसके बाद वापस अपना आगे यहाँ बैठ जाएंगे। बैठने में फिर वही सर सेम पैटर्न रहेगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, गवर्नर महोदय और सीएम साहब, इतने लोग रहेंगे, बाकी जनप्रतिनिधि इधर बैठ जाए। तो ये सर सीटिंग जो आप वही सर मंत्री से बात करके ये सीटिंग सर क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हाई लीज स्थल पे कार्तिकेय मिश्रा जी वीडियो फिल्डी है, दो पार्किंग स्थल बन रहे हैं, एक जो हिंदू सेवा आश्रम यहाँ पे जनता दर्शन दूसरा वाला लगता है उसके अंदर बड़ा सा खाली जगह है, क्योंकि 150 लोग ही आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं रहेंगी, 50 से 60 गाड़ी मान सकते हैं, गाड़ियों का वो पहले से यह बात हो जाएगा कहाँ पे किसी गाड़ी खड़ी होगी। उस सर हिंदू भवन के पीछे जगह है जो हम लोग कल देख के आए थे, वहां सर नगर निगम को बड़ा काम वहाँ करना है, कुछ वहाँ पार करूँ कुछ सर वहाँ सेवा। विजय जी और वीडियो साहब जो है कार्तिकेय मिश्रा जी, पहले से फूड की टीम, ये वो सारे जो सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं सब चीजें होती है, सब आप करा 15 से लेकर 7:45 तक का मिनिमम, तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम रहेगा, देख लेंगे। अगर माइक सिस्टम की मांग करेंगे वहाँ पे, अगर मान लीजिए कहते हैं माइक माइक व्यवस्था भी हो जाएगी, आप बता दीजिएगा तो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। चेंज बताया है, वो चेंज ये है, मंदिर में आई के बाद वो सीधे उनकी गाड़ियाँ लगी होंगी फ्लिट की, आप वो वहाँ से निकल जाएंगे। मंदिर से निकलने के बाद या तो पहला जो प्रोग्राम अनुभवित, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं, दिनांक 4 और 5 जून को राष्ट्रपति महोदय हमारे जनपद में आ रहे हैं और उसकी तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की गई थी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, जो कि एक समन्वय बैठक थी, जिसमें हमें उनकी तैयारियों को लेकर क्या क्या कार्य करना है, सड़क पर क्या व्यवस्था करनी है, उनके निवास स्थल पर जहाँ पर रुकेंगे उसमें क्या व्यवस्था करनी है, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ उनका भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ करनी है, उसी को लेकर विभिन्न विभागों के जो कार्य करने हैं उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागों ने अपना काम पहले से ही प्रारंभ भी कर दिया है, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक माननीय एसीएस होम सर और एडीजी सर के द्वारा विजिट किया गया था गोरखपुर जनपद में और सबको निर्देश दिए गए थे, तो कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी प्रगति पर है और हम लोग एक अच्छे तरीके से इस विजिट को संपन्न कराएंगे।